हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्स हंगर हॉल्ट। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही इजी रेसिपी, वो है फ्राइड मोदक, जो सबको पसंद है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपी के बारे में अपडेट्स मिलते रहेंगे और मुझे ऐसे ही नई चीज बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक पैन गरम करने रख दिया है, जिसपे हम पहले एक चम्मच घी डाल देंगे। और घी जैसे ही मेल्ट हो जाए, फिर हम उसमें डालने वाले हैं 1.5 कप फ्रेशली पीसा हुआ नारियल का बुरंदा और फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मतलब एक बड़ा चम्मच गुड़ और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 इलायची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे धीमी आंच पर पकने लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है। और ये जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, फिर हम फ्लेम बंद करके इसे एक प्लेट पे निकाल के ठंडा होने रख देंगे। हम एक बर्तन में 1 कप गेहूं का आटा लेंगे और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा गूंद के इसका डो बनाने वाले हैं। फिर हम इसमें 1/2 चम्मच तेल डाल के इसे वापस गूंद लेंगे। और 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। फिर हमें इसकी छोटी छोटी पूरियां बनानी है इस तरीके से। पहले एक बड़ी सी चपाती बना के फिर एक कटोरी से इसकी छोटी छोटी पूरियां निकाल लेंगे इस तरीके से। ऐसे 7-8 बना के हम साइड में रख दे और फिर हमने जो स्टफिंग तैयार किया है वो इसमें थोड़ा सा डाल के इसके एज में मतलब साइड में थोड़ा सा हम हल्का सा पानी लगा लेंगे और इसका मोदक का शेप दे देंगे। इस तरीके से इसका शेप देना है। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा और फिलिंग डाल सकते हो। ऐसे हम 7-8 बना के रख देंगे साइड में। मैंने यहाँ पे तेल गरम करने रख दिया था और जैसे ही तेल गरम हो जाए, हमें यहाँ पे फ्लेम मीडियम टू लो रखना है और इसे मोदक को जितनी कैपेसिटी हो 7 से 8 इसे एक टाइम पे फ्राई करने हैं, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए चारों तरफ से। और ये हो गए तैयार हमारे फ्राइड क्रिस्पी मोदक। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाने ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले रेसिपी के बारे में अपडेट्स मिलते रहेंगे और मुझे ऐसे ही नई डिश बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा।